नमस्कार, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास ट्वेल्थ के बच्चों की डिमांड पर मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन का ये पार्ट लेकर आया हूं। इस पार्ट में आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन से लेकर के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक सारा कुछ सीखेंगे। तो चूँकि ये पार्ट बहुत बड़ा है और इसको एक वीडियो में बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसके कई पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में ये नीचे बेल वाला आइकान भी दबा दें जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन जिस समय डिस्कवर हुआ था उस समय इसका यूज था डिफरेंट डिफरेंट कर्व का एरिया निकालना। आज के समय में कैलकुलस में जितना भी इंटीग्रल या डिफरेंशियल पार्ट आप पढ़ते हैं, इस पार्ट को डेवलप्ड किया था जी डब्ल्यू वॉन लेबिनीज ने। इन्होंने डिफरेंशियल और इंटीग्रल टोटल कैलकुलस का पार्ट इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। इन्होंने ही पहला कैलकुलेटर भी डेवलप किया था और कैलकुलस में जो हम साइन यूज करते हैं डी डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन या फिर इंटीग्रेशन का जो साइन यूज करते हैं वो भी इन्हीं की देन है। इंटीग्रेशन एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। अगर मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसके लिए दो प्रोसेस यूज किए जाते हैं। एक प्रोसेस है एंटी डेरिवेटिव और दूसरा प्रोसेस है यूजिंग फॉर्मूला। इन दोनों प्रोसेस से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एंटी डेरिवेटिव से। तो एंटी डेरिवेटिव से शुरुआत करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में एंटी डेरिवेटिव होता क्या है। अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन स्मॉल एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इफ डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। यानी कैपिटल एफ एक्स को हम एंटी डेरिवेटिव तब कहेंगे जब उसका डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स के इक्वल हो। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। यहाँ पर ये जो कैपिटल एफ एक्स है ये एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। हम कह सकते हैं कि द फार्मूला दैट गिव्स अस एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। वैसे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या है, लेकिन चूंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हमें यह जानने की ज़रूरत है यहाँ पर कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता क्या है। हिंदी में बोलें अगर इसको तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस या जिस फार्मूले के तहत हम किसी भी फंक्शन के सारे एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हों वो प्रोसेस
या वो कंडीशन इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन बोली जाती है। किसी भी फंक्शन में इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालना सीखते हैं कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में कैसे निकाला जाता है। इंटीग्रेशन को अगर सिंबल के फॉर्म में लिखें तो इसके लिए एक सिंबल डिफाइन किया गया है। ये एक्चुअल में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का बिगड़ा हुआ रूप है, इसको इंटीग्रल सिंबल बोलते हैं। अगर इसमें मुझे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, सपोज करिए मुझे fx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसको लिखा जाएगा इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू, चूँकि फंक्शन है, फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल fx से डिनोट करते हैं और साथ में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर बचता है। रीजन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऊपर बताया कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर fx प्लस c का डिफरेंशिएशन किया जाए तो स्मॉल fx आएगा, क्योंकि fx का डिफरेंशिएशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन होगा। यहाँ पर ये जो c है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हैं कोई भी कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन चैप्टर में आप जान चुके हो कि किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो जीरो आता है। तो इस तरीके से fx प्लस c का एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन fx कहा जाएगा। तो अब हम लोग सीखते हैं कि एंटी डेरिवेटिव निकाला कैसे जाता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब एंड 2/3x2, मतलब इन दोनों फंक्शन का मुझे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एंटी डेरिवेटिव एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि x क्यूब किसके डिफरेंशिएशन में आएगा? डिफरेंशिएशन में आप पढ़ चुके हो कि जब भी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सपोज करिए मुझे x^n का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये एक्चुअल में होता है nx^n-1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x^n का डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर में हमेशा 1 पावर रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन मुझे इसका उल्टा चलना है, यानी n-1 से n लाना है, और ये तभी पॉसिबल है जब पावर को इंक्रीज किया जाए। मतलब x^3 का अगर मुझे उल्टा लेना है तो मुझे इससे पावर 1 बढ़ानी पड़ेगी, यानी x^4 का को लेना पड़ेगा। तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मैं इसमें हमेशा एक पावर बढ़ा करके यानी x^4 का डिफरेंशिएशन निकालूंगा, जो कि होता है 4x³ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। बट मुझे सिर्फ x³ चाहिए, तो अगर मैं इसमें से x³ को निकालता हूं तो इस 4 को मुझे दूसरी डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। तो इसको जब दूसरी डायरेक्शन में भेजा जाएगा तो ये इधर जाके अपोजिट हो जाएगा, यानी 1/4 ddx ऑफ x^4 हो जाएगा। इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ ddx ऑफ 1/4 x^4, यानी इतनी फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो मुझे x³ मिल पाएगा। तो इस प्रकार से इसको बोला जा सकता है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ x³ इज इक्वल टू 1/4 x^4, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे 2/3x² का एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे भी प्रोसेस वही है, मुझे कांस्टेंट को नहीं लेना होता, सिर्फ मुझे x² को देखना है कि ये किसके डेरिवेटिव में आएगा। तो ये तो अभी जस्ट मैंने बताया ही है कि मुझे पावर 1 इंक्रीज करके लेना होता है। तो अगर मैं x² से पावर 1 इंक्रीज कर दूं, यानी मुझे x³ का डेरिवेटिव निकालना होगा, और x³ का डेरिवेटिव आता है 3x², बट मुझे x² चाहिए, तो दिस इंप्लाइज x² इज इक्वल टू इस 3 को दूसरे डायरेक्शन में भेज दीजिए, तो ये 1/3 ddx के साथ x³ हो जाएगा। या फिर इसको लिखा जा सकता है x² इज इक्वल टू ddx के साथ 1/3 x³। लेकिन मुझे केवल x² नहीं है, मेरे पास 2/3 भी है, तो मैं दोनों डायरेक्शन में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 2/3 x² इज इक्वल टू ddx। जब इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2/9 x³। मुझे यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव निकालना है
तो फिर यही खत्म हो गया आपका एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2/3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9x³। और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का बहुत ही आसानी से एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x² + 4sin x। यहाँ पर ये फंक्शन दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, लेकिन मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो मैं दोनों का अलग अलग एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा। सबसे पहले 1/x², 1/x² का मीन्स होता है x^-2। आपको पता है 1/x² इज इक्वल टू x^-2 होता है, और डिफरेंशिएशन का कंडीशन है कि इससे एक ज़्यादा पावर होनी चाहिए। इससे एक ज़्यादा का मतलब हो गया x^-1 के डेरिवेटिव में मुझे x 1/x² मिल जाएगा। तो मेरी स्टार्टिंग यहीं से होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x^-1। फार्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा -x^-2, या फिर आप इसको लिख सकते हो -1/x², बट मुझे केवल 1/x² चाहिए, तो इस माइनस को दूसरी डायरेक्शन में भेज दीजिए। तो 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा -ddx ऑफ x^-1, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ddx ऑफ -1/x। ये 1/x² का एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक इसी तरीके से, या इसको मैं लिख ही देता हूँ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x² इज इक्वल टू -1/x। अब मुझे 4sin x का फाइंड करना है, उसके लिए मुझे केवल sin x को लेना होगा। तो ddx sin डेरिवेटिव होता है cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x, बस मुझे केवल sin x चाहिए। तो माइनस के साइन को दूसरी डायरेक्शन में अगर भेज दिया जाए तो ये ddx हो जाएगा माइनस का cos x, बट मुझे 4sin x चाहिए, तो दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4sin x इज इक्वल टू हो जाएगा ddx माइनस का 4cos x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4sin x इज इक्वल टू हो गया -4cos x, बट मुझे कॉम्बिनेशन का चाहिए। हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x² + 4sin x इज इक्वल टू 1/x² से आया है मुझे -1/x, और 4sin x का आया है माइनस का 4cos x, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। आपकी NCERT की बुक में केवल 4 या 5 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हैं, जिनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करेंगे, साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, जिससे मैं आपको उसका सॉल्यूशन आसानी से भेज सकूँ। अब हम लोग इंटीग्रेशन निकालना सीखते हैं यूजिंग फार्मूला। तो जब मुझे फार्मूले को यूज करके इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसके लिए मुझे कुछ फार्मूले जानने की ज़रूरत है जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x^n। अगर इसका इंटीग्रेशन निकाला जाए तो इसके लिए होता है x^(n+1)/(n+1)+c। किसी का भी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन e^(x)dx का। एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों सेम होता है, e^(x) का e^(x+c) ही रहेगा। तीसरा फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x(dx), और इसका इंटीग्रेशन होगा log x + c। चौथा फार्मूला है इंटीग्रेशन a^(x)dx का, ये होगा a^(x)/log e a + c। पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेशन केवल dx का, यानी कांस्टेंट नंबर का, ये होगा x + c। ये 5 अलजबरा से हैं,
इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से, छठा फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री से आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सातवां फार्मूला है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, इसका होगा साइन एक्स प्लस सी। आठवां फार्मूला है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होता है टेन एक्स प्लस सी। नवा है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दसवां है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका आंसर होगा सेक एक्स प्लस सी। ग्यारहवां है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका आंसर होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये फाइव अलजबरा से और सिक्स ट्रिगोनोमेट्री से ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं या फिर बेसिक फार्मूले हैं। इनके अलावा कुछ फार्मूले इन्वर्स फंक्शन से भी हैं। इन्वर्स फंक्शन से 12 नंबर में आएगा इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे दो आंसर निकल सकते हैं, एक तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी निकल सकता है और माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। इसी क्वेश्चन से मतलब इसी कंडीशन का आंसर होगा। 13 नंबर है इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके भी दो आंसर होंगे, टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी और माइनस में कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी। और 14 नंबर पे है इंटीग्रेशन वन अपान एक्स एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसका आंसर होगा सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी और माइनस में कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। ये आपके बेसिक फार्मूले हैं। अगर ये फार्मूले आपको याद हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने में जरा सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और अगर ये फार्मूले नहीं याद हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये फार्मूले याद जरूर कर लें, नहीं तो आप कहेंगे सर ने कुछ समझाया और समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हर लाइन कोई ना कोई फार्मूला यूज जरूर करेगी। तो पहले आप फार्मूला याद कर लें फिर क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करें। कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत उस प्रॉब्लम को क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर को यूज करते हुए जरूर डाल दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगा। शुरुआत किसी इजी क्वेश्चन से करते हैं। सपोज करिए आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का। ये क्वेश्चन एक्चुअल में दो फंक्शन से मिलकर बना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस में वन डी एक्स। वन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि केवल डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले फार्मूले से, पहला फार्मूला आपने को मैंने क्या बताया कि एक्स टू दी पावर एन अगर होता है तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, यानी कि पावर जो है वन इंक्रीज हो जाएगी। सेम डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज होती है, यहाँ पे पावर इंक्रीज होती है। तो एक्स स्क्वायर में जब पावर वन इंक्रीज होगी तो ये ऊपर हो जाएगा क्यूब और नीचे भी क्यूब, माइनस केवल डी एक्स का इंटीग्रेशन बता चुका हूँ एक्स, और लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट यानी कि सी को लिखना नहीं भूलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर होल अपान एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप कहोगे कि इस तरीके का तो कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बना रहा है, और क्लास ट्वेल्थ के बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर यानी x टू दी पावर 4 प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी 1, और होल अपान में x लिखा हुआ है। इसको मैं अलग अलग रिड्यूस कर सकता हूँ, तो जब अलग अलग रिड्यूस करूँगा तो ये x टू दी पावर 4 अपान x बनेगा,
प्लस टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स बनेगा, प्लस वन अपान एक्स बनेगा। इसमें से जो कट सकता हो काट दीजिए, बाकी बचेगा क्या, यहाँ पे फोर से वन पावर रिड्यूस होके एक्स क्यूब बचेगा। टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा बिल्कुल अलग लिखा जाता है, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल होके केवल एक्स बचेगा, और यहाँ पे वन अपान एक्स है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब इसी फार्मूले से एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो फोर अपान फोर प्लस टू, एक्स के इंटीग्रेशन में भी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी तो टू अपान टू, और प्लस वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, और लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी। ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास बचा क्या, वन अपान फोर एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस लॉग एक्स, और साथ में एक इंटीग्रल कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा आंसर। कुछ एग्जांपल ट्रिगोनोमेट्री से भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है ये, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको जो मैंने फार्मूला बताया है उसमें कहीं पर भी टेन और कॉट एक साथ नहीं आया है, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए। तो यहां पर भी देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना रहा है, तो ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, और लास्ट में डी एक्स। जितने फार्मूले आपने पढ़े हैं उसमें आपको कहीं भी टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स नहीं मिला है, लेकिन इसकी जगह पे सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर मिला है। मतलब आप टेन स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा करके क्लास टेंथ वाली या इलेवेंथ वाली सेक में चेंज कर सकते हो और कॉट को कॉसेक में चेंज कर सकते हो। यानी टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसी तरीके से कॉट एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और प्लस टू टेन एक्स कॉट एक्स की जगह पे केवल टू आ जाएगा। इस टू से प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास दो अलग अलग फंक्शन बचे, एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और दूसरा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इन दोनों का इंटीग्रेशन होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट को लगाना नहीं भूलेंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल ट्रिगोनोमेट्री से देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां पर भी आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले उसको आप रिड्यूस करिए, यानी जितना सिंप्लीफाई हो सके कर दीजिए। तो इसको भी मैं सेपरेट कर सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और लास्ट में डी एक्स। यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो गया, तो फिर बचा क्या मेरे पास, वन अपान कॉस का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और वन अपान साइन का मतलब हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इन दोनों फंक्शन को अलग अलग लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों के फार्मूले होते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा है तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और लास्ट में प्लस सी। ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि चाहे ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आए या अलजबरा से आए, पॉसिबल है कि पहले आपको क्वेश्चन को कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़े। सिंप्लीफाई करने के बाद में जो बचेगा उसका आसानी से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, आप कहेंगे इससे रिलेटेड तो कोई फार्मूला हमारे पास है ही नहीं, लेकिन आपको पता है पहले से ही क्लास इलेवेंथ में पढ़ के आए हो, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। वैसे कॉस के तीन फार्मूले होते हैं, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में कॉस दिया है इसलिए मैं इसी को अप्लाई करूंगा। तो कॉस टू एक्स की जगह पे लिखा जा सकता है
टू कॉस स्क्वायर माइनस वन एंड कॉस टू अल्फा की जगह पे लिखा जा सकता है टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, और होल अपान में दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बचेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस वन, होल अपान में बचेगा मेरे पास कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, इस पूरे में ऊपर पार्ट में टू कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, होल अपान में है मेरे पास कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू टू। अब इसका न्यूमरेटर पार्ट है, ये देखिए एक आइडेंटिटी बना रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसकी जगह पे लिखा जा सकता है कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में एंड कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा दूसरे ब्रैकेट में, होल अपान में आपको बचेगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, जो पार्ट बचा इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, तो ये बचेगा मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी एक्स। इंटीग्रेशन आप कॉस एक्स सीधे फार्मूले में आ जाता है जिसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ये जाके हमारा आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, अंडर रूट वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। इस तरीके के फंक्शन इंटीग्रेशन में आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको 1 प्लस कॉस टू एक्स दिखे तो आप 1 के साथ कॉस टू एक्स का कॉस वाली फॉर्म लिख दीजिएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो इससे क्या होगा ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो करके आपको बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से अगर 1 माइनस कॉस टू एक्स कभी दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप कॉस टू एक्स की साइन वाली फॉर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जरूर लिखिएगा, तो इससे मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको ऐसा भी दिख सकता है 1 प्लस साइन 2 एक्स जैसी फॉर्म दिख सकती है, तो इस केस में क्या करते हैं हम 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और साइन 2 एक्स की जगह पे लिखूंगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मुझे 1 माइनस साइन 2 एक्स दिख जाए तो इसको इसी तरीके से रिड्यूस करने पर ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर दिख जाएगा। तो ये चार में से कोई भी दिखे तो इनको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इनको इस तरीके से रिड्यूस करूं। तो इस कंडीशन का यूज अगर मैं इस क्वेश्चन में करता हूं तो मुझे ये अंडर रूट के अंदर मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि ये वाली वैल्यू। अब इसमें से रूट 2 बाहर कर दीजिए तो ये बचेगा कॉस एक्स डी एक्स, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या बचा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये हो गया रूट 2 साइन एक्स एंड प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो रही है और बहुत लंबी वीडियो में फिर आपको भी देखने में प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद मैं दूसरा पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जिस पार्ट में मैं आपको सिखाऊँगा इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और भी इसके पार्ट आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।